नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास एक माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, माइक्रोमैक्स E455। और इसमें हमें बैटरी कनेक्टर डैमेज है, वो हम आज आपको लगाना बताएंगे। किस प्रकार से हम हमारे बैटरी कनेक्टर को रिप्लेस करेंगे ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम इसका बैक कवर ओपन करते हैं, बैटरी रिमूव करते हैं और ये देखिए हमारा मॉडल है माइक्रोमैक्स E455। और इसमें ये हमारा बैटरी कनेक्टर, हमें ये रिप्लेस करना है, ये हमारा डैमेज है। इसको हम किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे ये हम आज आपको बताते हैं। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो इस मैग्नेट के लगा सकें ताकि हमारे कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हम वन बाय वन करके सारे स्क्रू ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने सारे स्क्रू ओपन कर लिए। अब हम हमारे नेल्स की सहायता से इसको अनलॉक करेंगे बोन को चारों ओर से। हमें बहुत ही केयरफुली करना है दोस्तों ये काम। ये देखिए हमने ये सारे अनलॉक कर लिया और इसको हम ट्वीज़र की सहायता से निकालेंगे। और ये देखिए हमारा ये बोन अलग हो चुका है। अब हमें ये बैटरी कनेक्टर रिप्लेस करना है तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले हमारे ये स्क्रू ओपन करने होंगे। ये दोनों स्क्रू हमें ओपन करने हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं दोस्तों, ये हमारा वाइब्रेटर है, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का फ्लेक्स है, ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स है, ये हमारा टच फ्लेक्स है और ये हमारा रिंगर असेंबली है, ये हमारा मेमोरी कार्ड स्लॉट है और ये हमारे सिम कार्ड स्लॉट है, ये हमारा मेन कैमरा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ओपन करने के लिए ऑन ऑफ स्विच को निकालेंगे, फिर हम डिस्प्ले को फ्लेक्स को निकालेंगे। ये फ्लेक्स हमें बहुत ही केयरफुली निकालना है दोस्तों और हमें ट्वीज़र की सहायता से इसको ओपन करना है। और ये देखिए ये हमें ये वाइब्रेटर को भी निकालना होगा। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा ये एंटीना सेक्शन है, हमें ये एंटीना को भी रिमूव करना है। और ये हमारा चार्जिंग फ्लेक्स है, इसको हमें रिमूव करना है। ये देखिए दोस्तों ये हमने मदरबोर्ड अलग कर लिया हमारा और हमें ये चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करना है। हम किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे ये हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों इसके लिए हम हमारी SMD का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसके लिए हम SMD का इस्तेमाल करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने हमारा बैटरी कनेक्टर रिमूव कर लिया। ये देखिए हमारा ये चेक, ये हमारा बैटरी कनेक्टर, इसको हम अब नया बैटरी कनेक्टर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा डैमेज है। ये देखिए दोस्तों, ये हम नया बैटरी कनेक्टर लेंगे और ये हम इसको सोल्डर की सहायता से लगाएंगे। इसमें हम थोड़ा पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और हम ये बैटरी कनेक्टर लेंगे और हम सोल्डर की मदद से इसको सोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सोल्ड कर दिया तो हम ये फ्रेम भी लगा देते हैं, इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको सोल्ड कर दिया। ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर सोल्ड हो गया। अगर आप इसमें पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो और कर सकते हैं, ताकि इसमें हमारी ये मजबूती बनी रहे। ये देखिए हमारा ये सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको पैक करते हैं। ये हमें ये नीचे का बैटरी कनेक्टर लगाना होगा, चार्जिंग फ्लेक्स हमें लगाना है दोस्तों। सबसे पहले ये हमने इसमें चार्जिंग फ्लेक्स लगा दिया। एंटीना हमें लगाना है इसके अंदर। एंटीना हमने लगा दिया, हमें मदरबोर्ड को बिल्कुल फिट करना है हमारे फोन के अंदर। इसके लिए हम ये ट्वीजर की सहायता लेंगे और इसको हम आहिस्ता से प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा एक तरफ से पैक हो गया और अब हमें ये डिस्प्ले को पैक करना है। हमने डिस्प्ले लगाया, ये पैक कर दिया, ऑन ऑफ स्विच हमने पैक कर दिया और ये हमने वाइब्रेटर को पैक कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको हमारा बैटरी कनेक्टर लगा के दोबारा से पैक कर लिया। अब हमने जो मदरबोर्ड के दो स्क्रू ओपन किए थे दोस्तों,
हमें वो स्क्रू लगाने हैं यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए हम हमारे वो स्क्रू लगाएंगे जो हमने मदरबोर्ड से ओपन किए थे, ताकि हमारे मदरबोर्ड में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना रहे। ये हमने लगा दिया इधर और दूसरा हमने लगा दिया हमारी दूसरी साइड में। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों लगा दिए। अब हमें हमारा बोन इसमें सेट करना है। लॉक हमें चारों ओर से करने हैं। ये देखिए हमने ये बोन से फिट कर दिया और ये देखिए हमारा बैटरी कनेक्टर। अब हमें ये वन बाय वन करके सारे स्क्रू इसमें लगा देने हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पैक कर दिया, हमने बैटरी लगाई। हमारा मॉडल है E455 माइक्रोमैक्स का। हमने बैटरी लगाई, ये पैक कवर लगाया। ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हमने हमारे माइक्रोमैक्स E455 का ये बैटरी कनेक्टर रिप्लेस किया और कितनी आसानी से किया। देखा दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भविष्य में आपको और भी बेहतर जानकारी दे सकें।